बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और मैं अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जिसको अगर आप टिक करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, पैदाइशी महीना और शख्सियत के बारे में, कि आपका पैदाइशी महीना आपकी शख्सियत के बारे में क्या कहता है। इसके लिए मैं नाज़रीन आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद भी आएंगी और इसे आप लाइक भी करेंगे। तो जनाब चलते हैं। नाज़रीन, खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहा था कि रब से जब दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं। ठीक है ना, रब से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं। क्योंकि हमने तो बहुत अक्ल वालों को अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पे देखा है। आम तौर पर कहा जाता है कि सितारे आपकी शख्सियत का अहवाल बताते हैं, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी की दूर तक निशानदेही भी करते हैं। तो ये एक तरह से सही बात भी होती है कि ये हम जो स्टार में देखते हैं अक्सर व बेशतर, हम जो पढ़ते हैं रोज़ाना के, वो सही होता है। लेकिन चूँकि मुस्तकबिल का हाल सिवाय मालिक के हकीकी के अलावा कोई नहीं जानता, लिहाजा इस बारे में अगर अपनी राय रखता है तो माहिरीन के मुताबिक जिस महीने में पैदा हुए हैं वो महीना आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। आपके रहन सहन, आपकी गुफ्तगू, आपके मिजाज के बारे में बताता है। जिस तरह आपका स्टार शख्सियत की अक्कासी करता है, इसी तरह आपका पैदाइश का महीना भी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बयान करता है। और ये हकीकत भी होती है कि आप जिस महीने में पैदा हुए होते हैं उसकी कुछ बातें होती हैं, कुछ आपके अंदाज होते हैं जो बयान कर रहे होते हैं। जैसे कि जनवरी, वो अफराद जनवरी में पैदा हुए हैं वो अपना हर काम खुद करने के आदी होते हैं। ऐसे अफराद को अपने वालदेन से बहुत लगाव होता है और यही वजह है कि ये अफराद अपने वालदेन के लाडले भी होते हैं और दीगर बहन भाइयों की फिक्र और यही वजह होती है कि अफराद अपने वालदेन के लाडले होते हैं और दीगर बहन भाइयों की कोई फिक्र नहीं होती है। इसके अलावा इन लोगों को नई चीज़ें सीखने का भी बहुत बेहद जो है शौक भी होता है। इन लोगों के अंदर ये खसूसियत होती है कि ये चीज़ें सीखने के माहिर होते हैं, चीज़ें सीखने की जस्तजू रखते हैं। और फरवरी वाले अफराद के बारे में आपको बताऊंगी कि फरवरी में पैदा होने वाले अफराद बहुत तकलीकी होते हैं। इन अफराद के बहुत सारे दोस्त होते हैं और इनको दोस्त बनाने की शौक भी होता है। और ये अफराद जो जज्बात जो होते हैं इनके इसमें इजहार में बहुत अफराद जज्बात के इजहार में बहुत अच्छे से करते हैं अपने जज्बात का इजहार। अब मैं आपको मार्च वाले महीने का बताऊं। मार्च में पैदा होने वाले अफराद जो होते हैं वो बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं और हर बात दिल में छुपाने वाले भी होते हैं। और इन अफराद का जो एक बार एतबार तोड़ दें, ये दोबारा इस शख्स का एतबार नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ये जो माहिर होते हैं, मतलब ये बहुत छुपे रुस्तम भी निकलते हैं, ये आसानी से अपनी बात जो है दूसरों को नहीं बताते हैं। और फिर अप्रैल, अप्रैल का महीना, अगर आप हर वक्त जल्दी में रहते हैं तो इसका मतलब है आप अप्रैल में पैदा हुए हैं। और अप्रैल में पैदा होने वाले अफराद सारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज रखना चाहते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मई, मई में पैदा होने वाले अफराद हमेशा ख्वाबी दुनिया में रहते हैं और इन अफराद की मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी प्लानिंग होती है। मई में पैदा होने वाले अफराद बहुत अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं और ये लोग अपने दोस्तों से हर बात जो है शेयर भी करते हैं। ये मई में पैदा होने वाले अफराद हैं जिनकी ये क्वालिटीज़ है। और अब मैं जो आपको बताने जाऊंगी, मई के बाद जो महीना आता है जून का आता है, और जून में पैदा होने वाले अफराद बहुत हसास होते हैं और ये अफराद का मिजाज बहुत नरम और धीमा होता है और जिसके बाइस लोगों को इनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। और जुलाई, जुलाई के बारे में ये कहा जाता है कि जुलाई में पैदा होने वाले अफराद बहुत हंसी मजाक करने वाले होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिनको अपना दोस्त बनाते हैं उनके साथ सारी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं। अगस्त में पैदा होने वाले अफराद बहुत ही शरारती होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कायदाना सलाहियतें मौजूद होती हैं, इस वजह से लोग इनकी बहुत इज्जत भी करते हैं।
इसके बाद आ जाता है सितंबर। सितंबर में पैदा होने वाले अफराद बहुत सलीका पसंद होते हैं, ये लोग बहुत सफाई पसंद होते हैं, इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। इसके अलावा अक्टूबर, अक्टूबर में पैदा होने वाले अफराद को नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक होता है और ये अफराद बहुत बातूनी होते हैं और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने वाले भी होते हैं। ये अफराद ज़िंदगी को हमेशा मुस्बत अंदाज में देखते हैं। नवंबर, नवंबर में पैदा होने वाले अफराद तमाम तर बातें अपने तक महदूद रखते हैं, ये लोग मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और ये अफराद अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और इसलिए बहुत मेहनती बंदे भी होते हैं। और नवंबर के बाद आता है दिसंबर, दिसंबर में पैदा होने वाले अफराद को हुकुम पर अमल करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो नहीं चाहते कि कोई शख्स इन पर हुकुम चलाए। ये अफराद बहुत सारे अफराद को जानते हैं लेकिन बातें अपनी जो होती है इनको, बहुत सारे अफराद को ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन बातें अपनी पसंद के लोगों से ही सिर्फ करते हैं, इसके अलावा दूसरे शख्स से ये लोग नहीं करते हैं। तो ये जो थी आपकी शख्सियत थी, वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया और जो है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी शख्सियत के बारे में जानें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा और